हेलो गाइस, हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोनी टेक सोन। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक बहुत ही हेल्पफुल होगा बिकॉज मेरे पास ये अभी फाइल है, और बताना चाहूँगा कि रक्षा TPA हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, और इस हेल्थ कार्ड के थ्रू आपको क्या बेनिफिट होगा ये चीज़ बताना चाहूँगा। मैं जिस कंपनी में वर्किंग हूँ उस कंपनी का मुझे एक मेडिक्लेम मिला हुआ है जो कि रक्षा TPA है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, हेल्थ इंश्योरेंस का नाम। सो यहाँ पे एक्चुअल बेनिफिट कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। रिसेंटली मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, मेरे डैड का थोड़ा सा हेल्थ इशू था, सो डैड को एडमिट किया था। सो यहाँ पे अगर आपको रक्षा टीपीए का आपका कोई कार्ड है और आपको क्लेम रीइंबर्समेंट करना है, कैसे क्लेम करना है, अगर कैशलेस प्रोसेस है तो वेल एंड गुड, अगर कैशलेस प्रोसेस नहीं है तो क्लेम किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, इसका पूरा मैं आज आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। बिकॉज मैंने जो क्लेम किया था वो मुझे ओनली 10 डे के अंदर मुझे वो रिसीव हो चुका है, और सबसे बेनिफिट यहाँ पे यह है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होता है 90 डेज का होता है, बट वो अमाउंट आपको विद इन 10 to 15 डे के अंदर मिल जाता है जब अगर आप अपना जो फाइल होती है वो सबमिट करते हो तो। सो यहाँ पे हेल्पफुल कैसे होता है, नॉर्मली समझो फॉर एग्जांपल 2 तारीख को आपके घर के किसी भी फैमिली मेंबर का कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग इशू आ चुका है, ठीक है। अब वो जो हेल्थ इशू जो आया हुआ है उस मेंबर का एक रक्षा TPA का कार्ड होना चाहिए या फिर आप उसे इशू करवा सकते हो। तो यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल कोई इशू आ चुका है और आप लोकल सेगमेंट के अंदर रहते हो, लोकल एरिया के अंदर रहते हो, और वहाँ पे वो कैशलेस वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सो आपको जितना भी जो अमाउंट स्पेंट होगा उसका प्रॉपर वे में बिल, स्टैम्प, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है अगर वहाँ पे कैशलेस प्रोसेस नहीं है तो। सेकेंड सिनेरियो कि यहाँ पे आपको ये सारी प्रोसेस करने से पहले एक रक्षा TPA के कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करना है। जैसे आप कॉल करोगे वहाँ पे एक इंटीमेशन नंबर आपको दिया जाएगा, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा कि आपके घर के इस फैमिली का कोई इशू हुआ है, सो वो एक वहाँ पे दर्ज किया जाएगा। दर्ज करने के बाद जैसे कि 2 तारीख को आपने दर्ज किया, 2 तारीख को आपके एक कोई भी फैमिली मेम्बर ऐड हो चुके हैं, यानी कि हेल्थ रिलेटेड कोई इशू आ चुका है। सो 2, 3, 4, 5 फॉर एग्जांपल 3 दिन का एक फैमिली मेम्बर का कोई भी इशू था XYZ, वो इशू वहाँ पे आपने डॉक्टर के पास जाके कंप्लीट करवा दिया। वो जो इशू कंप्लीट हुआ वो विदाउट कैशलेस के अंदर था, यानी कि आपको रीइंबर्समेंट करना है। तो रीइंबर्समेंट करने के लिए फॉर एग्जांपल आपका जो अमाउंट खर्चा हुआ है 50,000 रुपये एडमिट है, या फिर जो भी आपने एक्सरे निकाला है, सोनोग्राफी निकाली है, XYZ जो भी आपका जो भी एक्सपेंसेस रहेगा वो एक्सपेंसेस आपको उसकी रिसिप्ट के साथ आपको रखना है। वो रिसिप्ट आपको स्टैम्प सिग्नेचर के साथ पूरा कलेक्ट करना है, चेक, और इसके बाद आपको रक्षा TPA का कार्ड, इसके बाद आपको 2 या 4 फॉर्म होते हैं, फॉर्म ए, फॉर्म बी। फॉर्म बी जो होता है वो जहाँ पे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो उधर के डॉक्टर वो फॉर्म बी भर के देते हैं, स्टैम्प सिग्नेचर मार के देते हैं, कैशलेस वाला रीइंबर्समेंट वाला प्रोसेस बताओगे, सो रीइंबर्समेंट करना ऐसा बताओगे तो वो सारी चीज़ें आपको करवा के देंगे। अब आपका बिल आ चुका है 50,000, 50,000 रुपीज़ आपको पे करना है। जैसे आपने पे कर दिया, पे करने के बाद आपका जो फाइल है, आप फॉर एग्जाम्पल मुंबई से बिलोंग करते हो तो मुंबई में अंधेरी में ब्रांच है, आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो गुजरात में है, दिल्ली में है, नोएडा, बहुत सारे ऐसे अलग अलग सिटी के अंदर रक्षा TPA की ऑफिशियल ब्रांच है, उस नियरेस्ट एड्रेस पे आपको अपना फाइल सबमिट करना है। जैसे आपने, देखो मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी आप फाइल सबमिट करोगे वो आपका एक पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप सबमिट करते हो तो विद इन आपको 35 to 40 रुपीज़ के अंदर ये एक्सपेंसेस लगेगा कुरियर करने का। और सेम चीज़ अगर आप पर्सनल कुरियर से करते हो तो आपको 200 रुपया 250 रुपया ऐसा कुछ एक्सपेंस लगता है, तो मैंने प्रीफर किया पोस्ट ऑफिस वाला। जैसे मैंने फाइल सबमिट की, आज की डेट है 20-22, मतलब मेरी जो डेट थी उस टाइम पे 28 डेट को मैंने सबमिट कर दिया। 10 तारीख को, मतलब जनवरी 10, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 17 जनवरी को, 10 जनवरी को वो अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल 50,000 का बिल आपको आया हुआ है तो उसका 20%
कितना 20% डेबिट होके आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, और ये अमाउंट होगा ये फुल्ली आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। उसके बाद आपको मेल आना स्टार्ट हो जाएगा कि आप फीडबैक दीजिए कैसी हमारी सर्विस लगी, स्टाफ से बिहेवियर कैसा था, ये सारी चीज़ें आपको मेल के थ्रू पूछा जाएगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपके पास मेडिक्लेम है तो किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू बताई। अगर कुछ भी आपको इसके बारे में जानना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में आपको और बेटर तरीके से हेल्प कर पाऊंगा, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस एकदम वाव हो चुका है। फर्स्ट टाइम था जो कि एकदम वाव था। सो अगर फ्यूचर में ऐसे कोई हेल्प लगे आपको तो मुझे कमेंट कीजिए, 100% मैं उस कमेंट का रिस्पॉन्स दे पाऊँगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।